स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं नीला त्रिपाल और मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा ये Godox X1T का अनबॉक्सिंग। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए मैं अभी इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूं। तो दोस्तों ये रहा वो Godox X1T ट्रिगर। तो चलिए अभी इसको ओपन करके दिखाते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना, ये ट्रिगर जब भी आप खरीदोगे आपका जो कैमरा का जो मॉडल है, यानी कि आप अगर कैनन का यूज कर रहे हो या फिर निकॉन का यूज कर रहे हो या फिर सोनी का यूज कर रहे हो, वो सब ध्यान में रख के खरीदना। क्योंकि जैसे कि मैंने कैनन का कैमरा लिया है, मेरे पास कैनन का है, तो यहाँ पे लिखा है जो सी, ये उसके ही सिंबल है। अगर यहाँ पे सी लिखा है तो मतलब ये जो ट्रिगर है ये बस कैनन पे ही सपोर्ट करेगा। अगर यहाँ पे एन लिखा है तो बस वो निकॉन के कैमरे पे ही सपोर्ट करेगा, कैनन पे नहीं चलेगा वो। अगर एस लिखा है तो सोनी के लिए है। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान में रख के ख़रीदना है इस ट्रिगर को। तो ये वो ट्रिगर रहा और इसके अंदर ये यूज़र मैनुअल है, ये QC पास है और ये वारंटी कार्ड है। मैंने ये मार्केट से लिया है, कोलकाता के मार्केट से। तो चलिए अभी इसको ऑन करके देखते हैं। इसमें दो डबल ए साइज का बैटरी चाहिए होता है। तो मेरे पास अभी ये NV का 2800 mAh का ये दो बैटरी है। तो इसे अभी इसमें डाल के दिखाते हैं। तो ये मेरा बैटरी लग चुका है। तो चलिए ये रहा इसका ऑन का बटन, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है ऑन का बटन। इसे अभी ऑन कर दिया है मैंने, ये आ गया मेरा डिस्प्ले। ये डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। और ये जो एरो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस एरो के सामने जो भी ये अल्फाबेटिक जो नंबर है, ये नंबर रहता है वही बस एक्टिव रहता है। और इससे अगर ये जो साइड में है ABC, ये सब ग्रुप का नंबर है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ये TTL फ्लैश या फिर मैनुअल फ्लैश जो सब इससे कनेक्ट होता है उसमें भी लिखा होता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो सब बाद में। तो ये सब ग्रुप है और इसे चेंज करना हो तो इस व्हील के मदद से आप कर सकते हो। ये देखिए जो ग्रुप चाहिए आप उसी पे ही रख सकते हो। चलिए मैं अभी इसको ऐसे ही रैंडम रख देता हूँ इसमें। और ये जो है 1x32, ये ऊपर में लिखा है 1x128, ये सब फ्लैश का पावर है। जब आप कोई भी फ्लैश इसके साथ अगर जोड़ दोगे, इसके साथ कनेक्ट कर दोगे, तो फिर फ्लैश का पावर आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। ये जो बटन है GR, इस बटन को दबाने के बाद देखना आप, ये ब्लिंक कर रहा है। तो अभी इसको चेंज कर सकते हो, बट रिमेंबर ये वाइट मार्क पे ही रहना चाहिए, ये ऊपर का कोई भी काम नहीं करेगा। आप लोग देख सकते हो इस वाइट मार्क पे, ये वाइट एरो पे जो भी नंबर रहेगा बस वही काम करेगा। सेट हो जाने के बाद फिर से ये GR का बटन दबा दीजिए, ये सेट हो गया। तो अभी ये जो CH का बटन है चैनल का, इसे आप अगर एक बार दबाओगे तो ये CH देखो ये नंबर ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब अभी ये एक्टिव है। इसे अगर चेंज करना हो तो इस व्हील की मदद से अभी चेंज कर सकते हो। और ये जो GR है ये तो ग्रुप का ही बटन है, इसे अगर एक बार दबाओगे तो बस यही सिंगुलर, यही एक नंबर का बस चेंज कर सकते हो आप। अगर आप लोगों को सारा ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है ABC सबका अगर एक साथ चेंज करना हो तो इसी बटन को होल्ड करके रख दीजिए। ये देखा सब एक साथ ब्लिंक कर रहा है अभी। अभी इसी व्हील को घुमाने से सब देखो एक साथ चेंज हो रहा है। फिर से इसे दबा दीजिए ओके, तो ये सेट हो जाएगा। और ये मोड का जो बटन है, ये मोड का अगर TTL मोड, मल्टी मोड, ये मल्टी मोड है, ये मल्टी मोड पे रखना चाहते हो, ये TTL मोड पे रखना चाहते हो, और ये मैनुअल मोड, कैसे भी कौन से मोड पे भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो।
और यहाँ पे जो ये जो बटन है ये इसे ऑन करने से ये सामने वाला यहाँ पे एक सेंसर दिया हुआ है, इस सेंसर से एक लाइट निकलता है जो कि आपके सामने वाला जो सब्जेक्ट है वो अगर अंधेरा में भी रहे तो उस पर एक लाइट जाता है, एक बीम लाइट जाता है। तो वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बाद में दिखा रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, आपको फोकस करने में मदद आता है, और अगर TTL फ्लैश हो तो इस लाइट से वो सेंस करेगा कि वहाँ पे कितना ज़्यादा लाइट या फिर कम लाइट का ज़रूरत है, उसी हिसाब से ये लाइट एडजस्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, ऐसे TTL में होता है। तो इसका बस फीचर्स यही है, और ये टेस्ट का बटन है बस, अगर फ्लैश के साथ कनेक्ट कर चुके हो आप तो इसे टेस्ट करके देख सकते हो कि ठीक ठाक कनेक्ट हुआ है या नहीं, ये वायरलेस फायर कर रहा है या नहीं। तो चलिए अब इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये रहा मेरे हाथ में गोडॉक्स TT600 का ये फ्लैश, और ये है वो ट्रिगर। तो अभी इस दोनों को कनेक्ट करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले फ्लैश को ऑन कीजिए और ट्रिगर को भी ऑन रखिए। ये मैंने ट्रिगर को ऑन कर दिया है, फ्लैश को भी ऑन कर दिया है। तो इसका जो वायरलेस मोड है फ्लैश का वो सबसे पहले ऑन करना है। मेरा जो ये बटन है मोड का, इसको होल्ड करके रखने से इसका जो वायरलेस फंक्शन है वो ऑन हो चुका है। अभी ये देखिए वो ऑन हो चुका है। अभी इसको इसका आप मैनुअल मोड पे रखोगे या फिर स्लैब मोड पे रखोगे ये आप सेट कर लो, उसके बाद इसको दबा दो। देखिए ये ग्रुप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ग्रुप ए और यहाँ पे CH1 चैनल 1। तो मैंने जो बोला था ये ग्रुप का जो ये अल्फाबेटिक नंबर है ए, और ये जो CH1 है वो इस ट्रिगर में भी सेम रखना है। तो यहाँ पे ए है तो मैं इसको ए में तभी इसको मैं ए पे लेके आया, और ये CH1 पे है तो यही पे ही रखने देंगे। तो अभी टेस्ट करके देखेंगे। तो अभी ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। अभी इसे पावर को कम करके या फिर बढ़ा के दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये ग्रुप का ये ऑन हो गया। अब यहाँ से देखिए पावर मैंने 16 पे रख दिया है, यहाँ पे भी 16 हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से मैं ट्रिगर को दबा रहा हूँ और ये फ्लैश हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह कनेक्शन हो चुका है एकदम। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। आप इसको अभी आप इसको कैमरा के ऊपर माउंट कर दीजिए और इस फ्लैश को कहीं पर भी रख कर फायर कर सकते हैं या फिर फोटो ले सकते हैं यहाँ से। ये फ्लैश और ये जो ट्रिगर है ये आपको हाई सिंक फोटोग्राफी के लिए भी बहुत मदद करेगा। करना बस ये है, आपके ये जो फ्लैश है इसके अंदर हाई सिंक मोड होना चाहिए, और बस उसे ऑन कर दीजिए अभी, और कनेक्शन जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। जैसे मैंने दिखाया था जैसे कनेक्शन करना है बस आपको वैसे ही कनेक्शन करना होगा, इससे सेम प्रोसेस है, बस हाई सिंक मोड ऑन कर दीजिए। तो ये रेडी हो चुका है आपका हाई सिंक फोटोग्राफी के लिए। तो ये हाई सिंक होता क्या है ये मैं आप लोगों का भी बता दूँ। तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया है कि ये हाई सिंक ऑन कैसे करता है और इसे कनेक्शन कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और ये हाई सिंक फोटोग्राफी होता क्या है, हाई सिंक फोटोग्राफी यही होता है कि आपका जो TTL फ्लैश है वो आपका जो शटर स्पीड है उससे सही कई तरीके से वो मैच कर जाए। बस आपका जो शटर अगर 200 के ऊपर है तो जितना स्पीड से ये शटर जो खुलेगा उतना स्पीड से ये फ्लैश को भी फायर करना चाहिए उसी टाइम पे। तो यही होता है परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन एक शटर का और एक फ्लैश का। तो हाई सिंक अगर ना हो आपका फोटोग्राफी में, आप जब देखोगे आपके पास अगर कोई सॉफ्ट बॉक्स हो या फिर कोई भी फ्लैश गन हो कुछ भी हो, तो आप जब शटर स्पीड को 200 या 250 से ऊपर लेके जाते हो तो देखना आपका फ़ोटो में नीचे से एक ब्लैक शेड आता रहता है। जितना आप बढ़ाओगे उतना ब्लैक शेड आता रहता है, ऐसे ऐसे पूरा कवर हो जाएगा ये ब्लैक शेड। तो ये क्या होता है, आपका फ्लैश आपका जो कैमरा का शटर है उससे ठीक तरह से सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता है। तो ये हाई सिंक क्या करता है, उसी टाइम पे अगर ये हाई सिंक फ्लैश अगर आपके पास हो
तो फिर ये वो सब में मदद करेगा, आपका फ़ोटो प्रॉपरली एक्सपोज होगा, आपका वो जो नीचे का जो शेड आता है वो नहीं आएगा बिल्कुल, और हाई सिंग में आप 8000 तक भी शटर स्पीड इस्तेमाल कर सकते हो। आप कोई भी फास्ट कुछ भी फोटोग्राफी के लिए, जैसे जैसे कि आप लोग सोच लीजिए इंडोर में जो फ्रूट का जो फ़ोटो लिया जाता है, मतलब जो कि पानी के अंदर आप एक्वेरियम के अंदर जो फ्रूट का वेजिटेबल का जो गिराया जाता है उसके अंदर और उसका जो एक फ़ोटो लिया जाता है, वो सब इस हाई सिंक मोड पे या फिर हाई सिंक फ्लैश के मदद से वो फोटोग्राफी किया जाता है, तो उससे एकदम परफेक्ट आता है। आपका पानी का जो बूंदे होता है वो भी एकदम परफेक्टली आता है, आपका फ़ोटो एकदम शार्प रहता है। और हाई सिंक की मदद से आप लोग बाहर आउटडोर में जब गोल्डन आवर होता है उसके टाइम पे, मतलब उसी टाइम पे आप लोग इसका इस्तेमाल करके, ये हाई सिंक का इस्तेमाल करके प्रॉपरली शील हो टाइप बैकग्राउंड और आपके सामने का जो फ़ोटो है, आपके सामने का जो सब्जेक्ट है उसका प्रॉपरली एक्सपोज भी कर सकते हो, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी प्रॉपरली एक्सपोज होगा, एकदम गोल्डन आवर का जो बैकग्राउंड होता है, मतलब जो सीनरी होता है वो सब भी प्रॉपरली आएगा, और आपका जो सब्जेक्ट है कोई भी मॉडल खड़ा किया है आपने तो वो मॉडल भी एकदम परफेक्टली एक्सपोज रहेगा, वो डार्क नहीं होगा, तो ये बहुत ही कमाल का चीज़ होता है। तो दोस्तों, ये हाई सिंक फोटोग्राफी जो होता है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बता दूंगा कि हाई सिंक फोटोग्राफी होता क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को दिखा दिया है स्टिकर का कनेक्शन कैसे किया जाता है और इसका जो फीचर्स है वो सब भी दिखा दिया है। अगर इसे ख़रीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पे बेस्ट बाई ऑप्शन दिया है, एक लिंक दिया है वहाँ पे। और अगर इस गोडॉक्स TT600 फ्लैश के बारे में अगर जानना हो तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपका एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि इस फ्लैश का फीचर्स जो है वो क्या है। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिए और दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला जो वीडियो मैं डालूँ वो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए, आज के लिए गुड बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर। हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि COVID-19 की वजह से पूरा इंडिया में लॉकडाउन है, तो मैं भी घर बैठे ये सब वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ज़्यादातर कि मेरा वीडियो आउटडोर पे शूट होता है, आप लोगों को पता है, और आप लोग भी घर पे रहिए, सेफ रहिए, अगर ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो बाहर मत निकला कीजिए, और सबको सेफ रखिए, बस घर पे बैठे रहिए। तो टेक केयर, गुड बाय।